अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही, लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल व्लॉग है, क्लीनिंग से रिलेटेड है। घर की क्लीनिंग और मेंटेनेंस हम होम मेकर्स की वो मेन और वैल्यूएबल जॉब है, जिसको हम चाहकर भी कभी इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज जब हमारा घर क्लीन होगा, वेल मेंटेन होगा, वेल प्रेजेंटेबल होगा, तो हम भी हेल्दी, मोटिवेटेड और हैप्पी फील करेंगे। सो आज मैं आप सबके साथ होम मेंटेनेंस की कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और हैक्स शेयर करूंगी, जिससे हमारा घर वेल मेंटेन हो सकता है और क्लीन भी रहता है। हमारे घर के कुछ एरियाज ना हमेशा ऐसे होते हैं जिनको क्लीन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क लगता है, और डेली रूटीन में ना हम उनको क्लीन भी नहीं कर सकते और उनको स्किप कर देते हैं। सो आज काफी हैंडी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, फॉलो जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो ये है हमारा सिटिंग एरिया और आप देख सकते हैं कि सोफा के बैक साइड पर कितनी ज्यादा डर्ट है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी इसकी क्लीनिंग करते हैं या मोपिंग करते हैं ना, तो हमेशा इसके आगे आगे से क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन बैक साइड पर हम कभी भी क्लीनिंग नहीं करते, इसको हम इग्नोर ही कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये देखें, इसी तरह ये एसी के ऊपर इतनी ज्यादा डर्ट थी ना, तो ये तो इजीली ब्रूम से भी क्लीन हो सकता है, और अगर आप क्लीनिंग टॉवल यूज करें ना, तो उससे भी ये क्लीन हो जाएगा। उसके बाद अच्छी तरह से हमने अपने सोफाज को ड्रैग किया और पीछे से क्लीन कर लिया है, मोप भी मार लिया। उसके बाद ये पिफ पफ पाउडर है, और ये मैं आपके साथ ना मेन टिप आज शेयर करने जा रही हूँ कि जब कभी भी आप बैक साइड क्लीनिंग करें ना अपने सोफाज की, तो ये वाला पाउडर आप कॉर्नर्स में जरूर स्प्रिंकल किया करें। इससे क्या होगा कि आपके रूम में कभी भी इंसेक्ट्स नहीं आएंगे और आपका रूम इंसेक्ट फ्री हो जाएगा। ये आप चेक करें कि मैंने कॉर्नर्स में अच्छी तरह से पाउडर को स्प्रिंकल कर लिया है, इसके ऊपर अब सोफा आ जाएगा, और ये साइड्स पे भी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, इसके ऊपर भी सोफा आ जाएगा। तो फिर ये ना किड्स के लिए भी सेफ हो जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो पाउडर उठा के खा लेते हैं, तो जब इनके ऊपर कोई चीज आ जाए ना, टेबल आ जाए या सोफा आ जाए, तो फिर क्या होता है, ये सेफ हो जाता है पाउडर, और बच्चे बिल्कुल भी इसको उठाकर नहीं यूज कर सकते। इसी तरह ये टीवी बेंच है, तो इसकी हम फ्रंट साइड से तो इजीली क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन बैक साइड से हम हमेशा स्किप कर देते हैं, और नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में हम इसको नहीं क्लीन करते। सो इस एरिया की भी आज अच्छी तरह से मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, और इस एरिया में भी मैं पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि इधर भी टेबल आ जाएगा तो फिर वो पाउडर भी सेफ हो जाएगा और आपके किड्स के लिए भी सेफ रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद उल अज़हा आने वाली है, तो हर किसी की यही कोशिश होती है कि ईद आने से पहले हर कोई अपने घर को ना अच्छी तरह से डीप क्लीन कर ले और अपने घर को शाइनी बना ले। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि ईद आने से पहले ना हमारा घर भी इजीली क्लीन हो ले, और फिर हमें ज्यादा ना मेहनत ना करनी पड़े। वैसे भी जब समर वेकेशंस भी स्टार्ट होते हैं ना, तो तब भी हमारी यही रूटीन होती है कि समर वेकेशंस में भी हमने अच्छी तरह से क्लीनिंग भी करनी होती है, और डीक्लटरिंग भी ना हम बहुत सी चीजों की करते हैं। और विंटर वेकेशन भी जब स्टार्ट होते हैं ना, तो विंटर वेकेशन में भी फिर हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोग अच्छी तरह से घर को क्लीन कर लें। कुछ चीजें ना हमेशा ऐसी होती हैं जिनको क्लीन करना जरूरी होता है, 4 to 6 months बाद ना उनकी क्लीनिंग नेसेसरी हो जाती है। सो आई थिंक समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस ईयर के वो बेस्ट मंथ्स होते हैं, जिनमें हम अच्छी तरह से अपने घर की मेंटेनेंस कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ों को ना हम डीक्लटर भी कर सकते हैं कि बस ये चीज़ें हमने अपने घर से रिमूव कर देनी है। इसी तरह से अगर आपने अपने लिविंग एरिया में या सिटिंग एरिया में सेंटर कारपेट डाला हुआ है ना, तो फिर आप इसको भी उठाएं, रिमूव करें, नीचे से अच्छी तरह से फ्लोर को क्लीन करें, और वैक्यूम तो आप डेली रूटीन में भी कारपेट पर कर लेते हैं। तो मुझे भी जब ऐसा फील होता है ना कि अब नेसेसरी है कि नीचे से भी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली जाए, तो फिर मैं 1 month बाद ना फिर इसको उठाती हूँ कारपेट को, अच्छी तरह से फ्लोर भी क्लीन कर लेती हूँ, और कारपेट की भी अच्छी तरह से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ।
घर की क्लीनिंग के लिए ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आप फ्लावर्स यूज करते हैं ना, डेकोरेटिव फ्लावर्स फॉर हैंगिंग, तो इनको भी आप 2-3 मंथ्स बाद या 3-4 मंथ्स बाद भी जब भी आपको टाइम मिले इनको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया करें। ये देखें ये कितने ज्यादा डर्टी हुए हुए हैं, तो इनके ऊपर इतनी ज्यादा डर्ट थी ना, तो मैंने सोचा कि ईद आने से पहले ना इनको भी अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूं। और इसी तरह ये लीव्स भी आप चेक करें, तो ये भी बहुत ज्यादा डर्टी थे। तो आज मैं आपके साथ ना शेयर करूंगी कि आप घर पर इनको इजीली किस तरह क्लीन कर सकते हैं। डस्टिंग से ना ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से क्लीन नहीं होते, और जब आप इनको वॉश करेंगे ना फिर ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन होंगे। और बिल्कुल भी कभी ये कोशिश मत करिएगा कि आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश करें, नहीं ये खराब हो जाते हैं। अच्छा, आपने क्या कर लेना है कि आपने ना बकेट में पानी ऐड कर लेना है, आपने कोशिश करना है कि हॉट वाटर हो। उसके बाद आप कोई भी डिटर्जेंट इसमें ऐड कर लें और इनको फिर सोक रहने दें। वैसे मैंने इनको ना 4-5 आवर्स के लिए ना सोक रहने दिया था इस वाटर में, हॉट वाटर में, और फिर डिटर्जेंट भी इसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ था। फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इनकी साइड्स को मैं फ्लिप करके तो अप एंड डाउन कर लेती थी ताकि ये सारे फ्लावर्स इजीली क्लीन हो जाएं। उसके बाद आप इनको वाटर से निकालें, अच्छी तरह से ड्राई करें और नेक्स्ट डे आप इनको हैंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जी आज यहाँ पर मैं अपने कर्टन्स भी क्लीन करूंगी और न्यू कर्टन्स भी ऐड करूंगी। अच्छा, आप ये विंडोज चेक करें, ये विंडोज के ऊपर ना मैंने सबसे पहले तो ये शीट लगाई होती है, ये एडिसिव शीट है, तो ये जो नीचे शीट होती है ना ये जब लगा लो ना साल बाद ये बिल्कुल डैमेज हो जाती है। ये देखें इस तरह ना ये डैमेज हो जाती है, तो इसके ऊपर ना फिर मैंने न्यूज़पेपर ऐड किए होते हैं और स्टिक कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि सनलाइट ना बिल्कुल भी रूम में नहीं आती, लेकिन इस बार ना मैंने न्यूज़पेपर भी रिमूव करके, तो नीचे भी ये थोड़ी सी शीट थी तो ऊपर दोबारा मैंने ये एडिसिव शीट स्टिक की है, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और आपकी विंडो भी ना काफी नीट एंड क्लीन लगती है, उसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो अगर आप सबके पास ये एडिसिव शीट नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें ये न्यू कर्टन्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं, ये नेट फैब्रिक है। इस पर ना थोड़ा सा मूड था मेरा कि कलर कॉम्बिनेशन ना थोड़ा सा चेंज करती हूँ, तो मैंने फिर ग्रीन ऐड किए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस तरह के लग रहे हैं। सो अगेन ये है एडिसिव शीट और इसका कलर गोल्डन है। ये मेरे पास ना काफी सालों से पड़ी हुई थी और बिल्कुल भी यूज में नहीं आ रही थी, तो मेरे ये जो सेंटर, ये जो साइड टेबल्स है ना, साइड टेबल्स ऊपर से ना जहाँ पर कभी कभार कोई गर्म चीज़ में रख दूँ ना, तो वहाँ से ना ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये गोल्डन एडिसिव शीट यूज़ करूँ और ये स्टिक कर लूँ टॉप साइड पर। तो इससे क्या होगा कि टेबल की लुक भी थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी और वैसे भी ये मेरे फर्नीचर के साथ भी मैच करता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये आइडिया आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। इस एडिसिव शीट को आपने बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है और इसको स्टिक करना है। जैसा कि प्रीवियस आपने देखा कि प्रीवियस टेबल पर ना मम्मा ने बहुत ही स्पीड से स्टिक किया है, जिसकी वजह से ना थोड़े से बबल्स भी आ गए हैं, लाइंस भी आ गई हैं। सो नेक्स्ट टेबल पर मैं खुद ही ट्राई कर रही हूँ और बहुत ही स्लोली स्लोली केयरफुली इसको स्टिक कर रही हूँ। आपने एक तरफ से ना हैंड से इसको प्रेस करते जाना है और दूसरी तरफ से ना आपने जो नीचे पेपर लगा होता है ना पेपर को रिमूव करते जाना है, तो फिर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आएंगे, बिल्कुल भी लाइंस नहीं आएंगी और नीट एंड क्लीन आपकी ये एडिसिव शीट स्टिक भी हो जाएगी। सो ये है जी फुल लुक साइड टेबल की। ये देखें कितना अच्छा इफेक्ट लग रहा है और बिल्कुल ये मेरे फर्नीचर के साथ मैच भी कर रही है। ये वाला हैक आपने भी जरूर ट्राई करना है, आई एम श्योर के आपके लिए भी ये काफी यूजफुल रहेगा। निहा जी आंटी, हम आपस में हमें कोई मसला है, खाना मैं तो गर्म करके लगाऊं पहले? तो पहले आप ना पूछ ले, मैं पूछ के आऊं। पूछ के आऊं जी सर। जी तो घर की डीप क्लीनिंग तो अच्छी तरह से मैंने कर ली है, उसके बाद ये नाइट टाइम है। तो आज हमारी दावत है अगेन आंटी के घर, तो ये आंटी हैं आंटी गुलशन, यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती हैं। तो आज उनकी तरफ हमारा डिनर है, बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया। अच्छा, मैं आपके साथ ना ये शेयर करूँगी विम्टो ड्रिंक्स, तो आप इनके अंदर ना थोड़ी सी 7-Up ऐड करें और विम्टो फ्लेवर्स ऐड करें,
तो ये भी बहुत मज़े की ड्रिंक्स बन जाती हैं। मैंने सोचा ये आपके साथ ना शेयर कर लेती हूँ, वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन मैंने सोचा चलें आपके साथ ना ये यूज़फुल टिप भी शेयर कर लेती हूँ। ये देखें रेड और ब्लू फ्लेवर है, तो ये आप ऐड करें और इसके अंदर थोड़ी सी आप स्प्राइट ऐड करें या स्पार्कलिंग वाटर ऐड करें तो बहुत ही मज़े की ये ड्रिंक बन जाती है। सो खाने में आज बहुत सी वैरायटीज हैं और खाना भी काफ़ी यमिलेशियस है। आप भी कहते होंगे कि हर वक्त दावतें ही इंजॉय करते हैं, तो जी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया ना, तो इस वजह से हमारी दावतें भी स्टार्ट हो गई हैं और कमिंग वीक्स में इंशाल्लाह हमारे घर भी दावत है, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी इंशाल्लाह। सो बस जी यही तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा होगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा मैंने आपके साथ आज टिप्स और हैक्स भी शेयर किए हैं होम रिलेटेड, सो उनको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।